हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको डिज़ाइनर नायरा स्टाइल अम्ब्रेला कुर्ती बनाना बताऊंगी। ये हमारी एक लॉन्ग स्लीट कुर्ती बनेगी जिसके साइड में हम दोरी अटैच करेंगे और इसमें मैं आपको साइड दोरी अटैच करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कुर्ती बनाने के लिए मैंने 3 मीटर रेयन फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये इसकी जुड़ी हुई साइड है। अब सबसे पहले हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। तो मैंने टॉप पार्ट की लेंथ रखी है 16 इंच प्लस उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 17 इंच मैंने टॉप पार्ट की लेंथ रखी है। और इस कुर्ती में हमने टॉप पार्ट की लेंथ ज़्यादा रखी है क्योंकि ये हमारी लॉन्ग स्लिट कुर्ती है। अब यहाँ पर शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर ले रही हूँ मैं 7.5 इंच। और यहाँ से आर्म होल लेंगे, तो आर्म होल भी ले रही हूँ मैं 7.5 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो चेस्ट है इसकी 38, तो 38 का चौथा भाग लूँगी मैं यहाँ पे 9.5 इंच। अब यहाँ पर हम वेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो वेस्ट है इसकी 32 इंच, तो 32 का चौथा भाग होगा 8। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करेंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 1.5 से 2 इंच इस तरह। और अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ में लूँगी 3 इंच और नेक डीप रखूँगी मैं बैक के लिए 3.5 इंच और फ्रंट के लिए 6.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग नेक डीप रख सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह बॉक्स बनाएंगे। और अब इसमें नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली मैं राउंड नेक बना रही हूँ फ्रंट और बैक दोनों साइड। अब यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह और यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल है और 1/2 इंच अंदर से हम एक दूसरा आर्म होल बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब यहाँ कमर से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और अब यहाँ नीचे कमर से इसे हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह। तो ये मार्किंग हो गई है और अब हम बैक नेक से स्टार्ट करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब यहाँ सेंटर में एक कट लगाएंगे और अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करके इसका फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो ये टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बचे हुए फैब्रिक को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और यहाँ इसकी ये जुड़ी हुई साइड है। अब इसे एक कोने से पकड़ेंगे और इस तरह ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह, यहाँ से ये ओपन है और यहाँ से ये जुड़ी हुई साइड है। अब यहाँ कोने पर हम हमारे टॉप पार्ट को रखेंगे। जो फोल्डेड साइड है उसे फोल्डेड साइड पर रखेंगे और इस तरह से कमर की मार्किंग करेंगे। अब हम बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। तो जो भी हमारी कुर्ती की फुल लेंथ हो उसमें से हम टॉप पार्ट को माइनस करेंगे, अलग करेंगे। तो ये ऊपर की तरफ मैंने 16 इंच निकाल दिए हैं और अब इस निशान कमर वाले निशान से नीचे तक हम लेंथ लेंगे। तो मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ है 44 इंच प्लस उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो 45 इंच मैंने लेंथ का निशान लगाया। अब इस कोने से हम लेंथ को मेज़र करेंगे। तो ये लेंथ आ रही है 42 इंच पे। अब मेज़र टेप को इस तरह घुमाते हुए 42 इंच पे निशान लगाएंगे राउंड में। अब इन सभी निशान को इस तरह जॉइंट कर देंगे। अब हम नीचे से और कमर से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसे कट कर लेंगे। देखिए इस तरह।
तो बॉटम पार्ट भी कट हो गया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की रेडी लेंथ है 12 इंच प्लस उसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 14 इंच मैंने स्लीव की लेंथ ली है। यहाँ से ये ओपन साइड है और जो स्लीव की चौड़ाई है वो 9.5 इंच है। अब यहाँ पे 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से इसे स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पे एक निशान लगाएंगे 2 इंच पे और यहाँ से इस तरह स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे। अब नीचे स्लीव बॉटम है 5.5 और उसमें 1.5 इंच मार्जिन, तो 7 इंच में स्लीव बॉटम ले रही हूँ। अब इन दोनों निशान को यहाँ से इस तरह ज्वाइन कर लेंगे और अब इसी शेप में इसे कट कर लेंगे। तो देखिए स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब सेंटर में एक कट लगाएंगे और स्लीव को ओपन करेंगे और अब इसका फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। और स्लीव की रॉन्ग साइड अंदर की तरफ है और अब हम यहाँ से इसका फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। फ्रंट आर्म होल कट करने से स्लीव में आगे की तरफ झोल नहीं आता। तो कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने टॉप पार्ट की लाइनिंग भी कट की है और अब हम पहले लाइनिंग को अटैच करेंगे। तो पहले हम दोनों आर्म होल, नेक और दोनों साइड और नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा के लाइनिंग अटैच कर ली है और अब हम इसका नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी क्रॉस पट्टी कट की है। इस पट्टी को हम पूरे नेक में अटैच करेंगे। तो इस तरह पट्टी को हल्के हल्के खींचते हुए राउंड में इसे अटैच करेंगे। और अब यहाँ नेक के पास जो मार्जिन है वहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। इस पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और यहाँ ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह। और अब बस सिंपल इस पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह हमारा बिना कैनवास पेपर के भी फिनिशिंग से नेक तैयार होगा। तो ये देखिए नेक रेडी हो गया है। सेम इसी तरह मैंने बैक नेक भी रेडी किया है। अब दोनों पार्ट को मिलाएंगे और शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। तो शोल्डर जॉइंट हो गए हैं, अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव को बॉटम से मैंने फोल्ड कर लिया है और अब स्लीव के सेंटर और शोल्डर के सेंटर को बराबर मिलाएंगे और इस तरह से इसे बराबर मिलाते हुए हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों स्लीव्स अटैच हो गई है। अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग करेंगे और इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए टॉप पार्ट रेडी हो गया है, अब हम इसका बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो ये है हमारा बॉटम पार्ट। बॉटम पार्ट के सेंटर में एक कट लगाया है और टॉप पार्ट के भी सेंटर में एक कट लगाया है। तो दोनों कट को सेंटर से बराबर मिलाएंगे इस तरह। और अब जो साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन बच रहा है 1.5 इंच का, इसे हम साइड से फोल्ड करेंगे। तो जिस तरह हम कुर्ती में साइड फोल्ड करते हैं बस सेम इसी तरह हम इसकी दोनों साइड फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह दोनों साइड से और बॉटम से इसे हम फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट की साइड और बॉटम मैंने फोल्ड कर ली है और अब इसे टॉप पार्ट से अटैच करेंगे। तो इस तरह हम बॉटम पार्ट को रखेंगे और अब जो दोनों पार्ट के सेंटर है उसे सेंटर से बराबर मिलाएंगे। इस तरह सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और अब यहाँ कमर पर सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और सेंटर से सेंटर मिला के यहाँ पे इसे पिन से सिक्योर करेंगे और इस तरह साइड से भी इसे बराबर मिलाएंगे। तो जो हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है बस वहाँ तक ही हम इस बॉटम पार्ट को इस तरह रखेंगे। तो साइड में हमारे इस तरह से चाक बनेंगे और अब हम यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह कमर पर सिलाई लगा देंगे। अब सेम इसी तरह हम दूसरा वाला पार्ट भी अटैच करेंगे। सो इस तरह हमें बैक और फ्रंट पार्ट अटैच करने हैं। देखिए इस तरह हमारे साइड में चाक बनेंगे।
ये देखिए इस तरह कितनी फिनिशिंग से ये चाक बने हैं। और अब हम यहाँ साइड में डोरी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये लटकन बना लिए हैं। और ये लटकन किस तरह बनाते हैं इसका शॉर्ट्स वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। अब इस डोरी के अंदर हम इस तरह एक पट्टी बनाएंगे और इस पट्टी को यहाँ पे इसमें डालेंगे और इस तरह इसकी लूप बनाएंगे। और अब इस लूप को हम कुर्ती के साइड में अटैच करेंगे। तो जो स्लिट का सेंटर है वहाँ पर इस लूप को रखेंगे और अब यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम आसानी से साइड में डोरी लगा लेंगे। और सेम इसी तरह दूसरी साइड भी डोरी लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड डोरी लगा ली है। और अब बस हम इसे पहनने के बाद इस तरह डोरी में नोट लगा लेंगे। तो ये ब्यूटीफुल कुर्ती हमारी बनके तैयार है और ये है इसकी फाइनल लुक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।